नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज का अपना ये वीडियो जुड़ा हुआ है जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में जो वैकेंसियां निकली थी पीजीटी टीजीटी और पीआरटी टीचर की, और इसमें क्लर्क की वैकेंसियां भी हैं। तो एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था जिसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया था, जिसमें बताया गया था कितनी वैकेंसियां हैं। तो अब इनकी सभी टर्म्स और कंडीशंस जारी कर दी गई हैं, क्या एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देखिए, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में, तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन एसआरएस स्कूल, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन एसआरएस भिवानी। तो दोस्तों, पहले ये नोटिस जारी किया गया था, शॉर्ट नोटिस, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेते हैं। ये देखिए, क्लोजिंग डेट है 26/3/2019, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2019, एप्लीकेशन फीस है ₹500 जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी एंड ₹125 फॉर एससी कैटेगरी। ये है एग्जामिनेशन फीस, क्लोजिंग डेट है 26/3/2019। पोस्ट है पीजीटी की 3 पोस्ट है, टीजीटी की 3 है, प्राइमरी टीचर की 1 है और क्लर्क की 2 पोस्ट है। इसमें पीजीटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों की एक एक है और टीजीटी में हिंदी संस्कृत और मैथमेटिक्स तीनों की एक एक पोस्ट है। अब यहाँ दे रखी है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है पीजीटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें दे रखी है पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए एमएससी फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में 55% अंकों के साथ, और उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए बीएड या फिर एमफिल 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए द सब्जेक्ट इन विच पोस्ट ग्रेजुएशन इज डन शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी, हिंदी होनी चाहिए मैट्रिक में, या हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक में, या फिर 10+2 में, या फिर बी ए में, या फिर एम ए में। और इसी के साथ साथ आपके पास होना चाहिए स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसटेट क्लियर होना चाहिए आपका, या एचटेट क्लियर होना चाहिए, या फिर नेट क्लियर होना चाहिए, इन तीनों में से एक क्लियर होना भी आवश्यक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आयु है 21 से 42 साल एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिजायरेबल है टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक नॉट बिलो द रैंक ऑफ टीजीटी। इसके बाद है पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी लगभग सेम है, बस सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। ये देखिए, एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड बीएड एमफिल विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द सब्जेक्ट इन विच पोस्ट ग्रेजुएशन इज डन शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन एंड मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत ऑल 10+2 बी एम ए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड एसटेट एचटेट या नेट इनमें से एक क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाए और आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आईटी स्किल्स भी होनी चाहिए, आयु है 21 से 42 साल, डिजायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स, बाकी सब कुछ वही है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया था। इसमें आ गए हैं एमए एमएससी इन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, बाकी सभी सेम है जो ऊपर बताई गई थी आपको। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है अगर हो तो अच्छा। इसके बाद बारी आती है टीजीटी की, सबसे पहले टीजीटी हिंदी, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 55% मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बी एड और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एज वेल एज 55% मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बी एड इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई regulations issued from time to time in this regard or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4 year bachelor in elementary education BEIED or senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4 year BAED or graduation with at least 50% marks and 55% marks in Hindi as an elective subject and 1 year B.Ed special education and B.Ed with Hindi as a teaching subject from a recognized university. उसके बाद matric with Hindi, Hindi or 10+2 B.A. M.A. with Hindi as one of the subject. उसके बाद है
आपका एसटेट भी क्लियर होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आईटी स्किल्स भी होनी चाहिए, आयु है 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए आपके, डिजायरेबल है 2 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हिंदी की जगह संस्कृत हो गया है, बाकी सेम है सभी क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद है टीजीटी मैथमेटिक्स, इसमें भी जो ऊपर हिंदी और संस्कृत की जगह मैथमेटिक्स आ गया है, बाकी सभी कुछ सेम दे रखा है इसमें, तो ये भी आप देख सकते हैं एचटेट क्लियर होना आपका आवश्यक है, आयु 21 से 42 साल। इसके बाद है प्राइमरी टीचर पीआरटी की जो वैकेंसी है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रेगुलेशन 2002। और का मतलब है अगर ऊपर वाला है आपके पास तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये चल जाएगा, और ये नहीं है तो ये चल जाए, इनमें से एक चाहिए जहां और आ गया है आपके पास, सीरियल नंबर एक ही चल रहा है ना अपना, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद ये नहीं है तो और ये देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, और बीए बीएससी बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो, तो इनमें से एक होनी चाहिए। और उसके बाद मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद है आपका एचटेट या एसटेट भी क्लियर होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटेट। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, और आईटी स्किल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, आयु 21 से 42 साल, डिजायरेबल है 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। के बाद बारी आती है क्लर्क की पोस्ट की, क्लर्क की 2 पोस्ट है, इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट विद 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 बी ए एम ए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, गुड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी और उर्दू, कंसिस्टेंसी गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आयु 18 से 42 साल, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर एंड अबव फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल। इसके बाद दे रखा है एक नोट और ये काफी इम्पोर्टेंट नोट है, एग्जेम्पशंस ऑफ एचटेट फॉर टीचर हु हैव वर्कड फॉर मिनिमम 4 ईयर इन प्राइवेटली मैनेज्ड स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग। तो दोस्तों आपको एचटेट में मिल जाएगी छूट अगर आपके पास है 4 साल का एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल में पढ़ाने का। The experience must be in relevant subject. Relevant subject में आपका experience होना चाहिए. 4 year experience certificate issued by head of institute must be countersigned by the concerned DEO. पर शर्त ये है, जो कैंडिडेट सब बगैर एचटेट अप्लाई करेगा उनको 2 साल के अंदर एचटेट क्लियर करना होगा। ये देखिए, द कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड विल हैव टू क्वालिफाई एचटेट विद इन 2 years ऑफ हिज हर सर्विस इफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज एक्सटेंडेड। If the appointment candidate fails to qualify the STAT exam within 2 years of their service, then their service will be terminated automatically without any prior notice. इसके बाद अब जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। पे स्केल है, फिक्स सैलरी है इसमें, PGT के लिए 44,000 है फिक्स, TGT के लिए 38,700, PRT के लिए 35,300 और क्लर्क के लिए 20,000 रुपए फिक्स सैलरी है इसमें, और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट है 3% का हर साल। मोड ऑफ सिलेक्शन है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, क्लास प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू एटसेट्रा। तो दोस्तों रिटन एग्जाम होगा तो उसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका आगे स्किल टेस्ट या फिर क्लास प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू हो सकता है। फीस जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपए, 125 रुपए
रिलैक्सेशन ऑफ एज फॉर ऑल कैटेगरीज एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल। हरियाणा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सभी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। रिटन टेस्ट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी टीचर का जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके 20 मार्क्स के आएंगे जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, और 80 नंबर के आपके आएंगे अकेडमिक नॉलेज ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, मेथड ऑफ टीचिंग एबिलिटी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। और जहां तक क्लर्क की पोस्ट की बात है, 20 मार्क्स के आएंगे जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक हिंदी मैट्रिक लेवल एंड इंग्लिश मैट्रिक लेवल, और 80 नंबर के आएंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी से क्वेश्चंस। और इसके बाद आपको दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके और भर के आप सबमिट कर दीजिए, जो अंतिम तिथि है जो कि है 26 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक हर हाल में आपकी ये एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। बाकी जो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, भिवानी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और इसी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।